सरपंच साहब आते हुए वीडियो बना रहे भाई, हमारे स्कूल में झंडारोहण करेंगे। ये हमारे सम्मानीय अतिथि है, जैसे राम जैसे राम। अरे वीडियो बन रहा है भाई तुम्हारा, भारत माता की जय बोलो। हमारे स्कूल में झंडारोहण करेंगे दोस्तों, देखते हैं आपको दिखाते हैं पूरा। ये सारी की सारी फौज आ रही है यहाँ से, अब ये जा वहाँ पे झंडा रोहण होगा तो आप देख सकते हैं। हाँ यूट्यूब पे डलेगा भाई ये, आपकी वीडियो सब देखेंगे आपको। तो ये हमारे स्कूल का प्रांगण है, तो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का कोड है और ये सारा ग्राउंड है इसका, स्कूल का पूरा शो दिखा देता हूँ मैं आपको इस तरीके से। ये हमारी स्कूल है पूरी, ये इसका 360 डिग्री का जो है हमने बैकग्राउंड बनाया, और ये हमारी मैडम है खड़ी है कुछ। अब देखते हैं वहाँ पे हमारे इधर प्रिंसिपल साहब है इस साइड में जूते खोल रहे हैं जो, और ये हमारे बाबूजी वगैरह स्टाफ के साथी। तो आओ अतिथि गणों, आपका वीडियो बनाते हैं डालेंगे, लोग देखेंगे कि आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैसे मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो ये सामने सरपंच साहब और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है सीताराम जी मीना। यस, ये हमारे प्रवक्ता श्रीमान अशोक जी जैन है, हमारे व्याख्याता साथी, और अभी जो है यहाँ पे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, झंडा रोहण होगा। डालूंगा इन यूट्यूब पर। यार दूर से साफ के लिए ना दिख रहे, थोड़ा दूर चला गया, कैसे दिखेगा यूट्यूब पे डालूंगा ये। अरे ये दोनों बाबू जी आना जी, खड़े कर दे भाई, हमारे स्कूल के सम्मानित बाबू जी है। मैडम मास्क तो हटाओ, हमारे दर्शकों को दिखाओ सही भाई, कितने हैंडसम स्मार्ट मैडम बाबू जी। कोरोना का डर लग रहा है हमारे बाबू साहब को, तो मास्क नहीं हटा रहे हैं, वैसे स्मार्ट है, टेंशन मत लो। ये हमारी व्याख्याता है सम्मानित, हमारे कानूनों हमारे कर्तव्यों के बारे में जान पाए हैं, इससे हमें अवगत होना चाहिए। आज का दिन, आज का ये राष्ट्रीय पर्व हम सब लोगों के लिए गरिमामय पर्व है। जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म भेद से ऊपर उठ करके, एक मानवता के लिए एक ऐसा पर्व है जिसमें भाईचारे का सीधा सीधा हम सब लोगों को संकेत मिलता है, सब लोगों को एक साथ रहने का मौका मिलता है, और इस राष्ट्रीय पर्व को हमारा पूरा देश गर्व के साथ मनाता है। आज नई दिल्ली में हमारे भारत के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, सभी जगह अपने अपने राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री और सभी देश के गणमान्य नागरिक बंधु जनप्रतिनिधि आज के दिन को मना रहे हैं। हम सब भारतवासियों का प्रमुख कर्तव्य बनता है कि आज की इस राष्ट्रीय पर्व को गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम भी कुछ नया करने का संकल्प लें। आज इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ के इस प्रांगण में हमारे समक्ष ग्राम के प्रथम नागरिक परम सम्माननीय सरपंच साहब रामविलास जी गुर्जर, साथ ही जनप्रतिनिधि हमारे मंच पर मौजूद हैं, और साथ ही हमारे इस पीओ क्षेत्र के सम्मानीय प्रधानाचार्य श्रीमान सीताराम जी मीना, समस्त
स्टाफ के साथ हम यहाँ पर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज क्योंकि हम नित नई प्रतिदिन कुछ नया करें, देश के लिए कुछ अलग करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कुछ ही दिनों बाद में परीक्षाएं आ रही है तो बच्चों के लिए कुछ परीक्षाओं में अच्छे अंक को हासिल करें, ऐसे संदेशों के साथ पिछले कहीं साल दो साल से हम कोविड-19 से प्रभावित हैं, तो शीघ्र ही कामना करें कि कोविड-19 का प्रभाव खत्म हो और एक स्वस्थ भारत के साथ हम आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूँगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पहनने का समय हो गया है, तो बिना किसी देरी के मैं सम्मानीय सरपंच साहब को आमंत्रित करूँगा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का सुन करें बच्चिया। अच्छी तरह पढ़े, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परम सम्मानीय सम्मानीय सरपंच साहब, ग्राम से पधारे सभी वार्ड पंच और सभी महानुभाव, सारे स्टाफ और बच्चे, आज गणतंत्र दिवस पर कोरोना के कारण हम इसको सफलतापूर्वक बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ये समस्या शायद नहीं रहेगी। अब फिर धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे। आज आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे स्कूल के सारे स्टाफ साथी है और ये सारे स्टाफ साथी हैं, वहाँ तक के 18-19 का स्टाफ है और कुछ बच्चे आए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हम ये गणतंत्र दिवस मना नहीं पाए। हमारे मुख्य अतिथिगण जो सामने बैठे हैं, ये हमारे अशोक जी जैन साहब हैं,
रेशला के अध्यक्ष और हमारे साथी हैं और वो उधर सरपंच साहब बैठे हैं गले में तोलिया लगा कर के, उनके पास हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सीताराम जी मीणा और उनके पीछे मुख्य अतिथिगण। अब कुदरत क्या है, कुछ मेहरबान नहीं है कार्यक्रम में, तो बाकी बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफी, बाकी दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। ये सारे लड़के जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मना करके, और दोस्तों आपको पूरा स्कूल का व्यू दिखा देते हैं हम, हमारा उधर वो ऑफिस है और ये सामने सारे स्टाफ रूम और इस साइड में भी ग्राउंड टाइप है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है दोस्तों आज के लिए, बाकी कुछ दूसरे वीडियो के लिए हम मिलते हैं, ये पूरा इस साइड से दिखा रहा हूँ मैं। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दे और आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों ये हमारे स्कूल में जो है अभी झंडारोहण का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमारे मुख्य अतिथि थे ये, और अभी हम आपसे परिचय करवाते हैं। सर आपका क्या मैं क्योंकि मैं नया हूँ सर, मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ तो इतनी जानकारी नहीं है, तो अब बताएंगे। हमारे साहब हैं श्री सीताराम जी मीणा, विद्यालय के प्रधानाचार्य, और ये सामने जो आए हैं ये हमारे साथी रेसली एंड रेसला के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी जैन साहब, और साथ में श्री अजीमुद्दीन जी सर हैं, बहुत सबसे नाइस सर है, ये सबको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, और सम्मानित गण अदर स्टाफ। अरे सर ये और भी आ जाओ यार, एक छोटा सा याद रहेगी, क्या पता अपन रहे या नहीं रहे, है ना। अरे वो बाबूजी आप तो आओ, आपका मेन वीडियो तो जा रहे हो, मतलब हाँ मतलब क्या बताओ परिचय, मतलब ये जो क्या है, मतलब ये जो बैज लग रहे हैं थोड़ा सा, ये टॉवलेट है ये, मतलब सर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो इंडियन आर्मी के अंदर जैसे फौज के अंदर आते हैं, तो वो वाला लुक आ रहा है। और ये बाबूजी बहुत नाइस है, पंचायत में हमारे मुख्य अधिकारी है यहाँ पे, और इनके साथ में जो है ये सहायक कर्मचारी हैं, और ये सरपंच साहब के अंडर में काम करते हैं, पंचायत के जो हमारा भवन है उसका मैनेजमेंट का काम है। और इनका परिचय, बाबूजी आपका नाम क्या है? सत्यनारायण जी धाबाई, और आपका सर? महावीर प्रजापति। महावीर जी प्रजापति जी, ये और आप पंचायत में पदस्थ हो? पंचायत में हैं और पंचायत का मैनेजमेंट आप ही करते हो, ठीक है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पे सरपंच साहब के साथ में ये नियुक्त होते हैं, और राजकीय आदेश से ही आते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है इनकी ड्रेस में। हाँ तो और बस इसी के साथ में बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए हमारे विद्यालय में, और आपका भी सर। और आप आइए दोस्तों, आपका परिचय करवाते हैं हमारे सम्मानित सदस्यों से। तो अभी जो हमारे विद्यालय की छात्राएं हैं कुछ, अभी आज क्योंकि कोरोना के गाइडलाइन की वजह से जो है छात्र छात्राओं को बुला नहीं सकते, आप जानते हो सब लोग। तो फिलहाल मैं वीडियो में आपको, वैसे तो मैं बता दूंगा आप समझ में आ जाएगी, वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। तो इधर ये दोनों का तो मैंने परिचय बता दिया, हमारे पंचायत के मुख्य अतिथि थे ये और पंचायत का मैनेजमेंट संभालते हैं हमारे अजीमुद्दीन जी सर है ये, और ये पास में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सीताराम जी मीणा साहब, और ये हमारे रेसला के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी जैन, और ये हमारी जो मैडम है इनका नाम मधुमाला जी राठौड़ है, और इनके साथ में जो बैठी हैं ये नसीम बानो मैडम हैं ये, और ये भी अध्यापिका है, और पास में जो ये नई अध्यापिका है इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, सीबा मैडम है इनका नाम, और ये हमारे दाकड़ साहब है, और वो हमारे बाबूजी है, बड़े बाबूजी विद्यालय की, जो पीली ड्रेस में काली ड्रेस में। लेकिन मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अब तो मास्क खोल दो एक झलक के लिए, क्योंकि देखेंगे तो सही। ये देखिए हमारे विद्यालय के भाऊजी है, बहुत स्मार्ट है, और अभी मीठी मीठी स्माइल दे रहे हैं। अरे मैडम जी इधर देखो तो सही, थोड़ा सा तो अच्छा एसआई में चयनित हो गए हैं हमारे विद्यालय के भाऊजी श्री, और आप देख सकते हैं थानेदार जी बनेंगे दोस्तों, कहीं पर आपके क्षेत्र में भी अगर नियुक्त हो जाए तो काम में आएंगे। और वो बाकी जो सदस्य है तो वो उनका भी मैं परिचय करवा देता हूँ उन सदस्यों का। तो ये जो विद्यालय में पूरा परिचय करवाता हूँ मैं आपका, तो यार
एक मिनट सर, ये सारे लाइन में खड़े हो जाइए सर, मैं थोड़ा सा एक यूं नहीं यूं, अरे ऐसे नहीं यार, हाँ इधर इधर इधर, हाँ तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम विद्यालय की छात्रा हैं, कक्षा 11 की छात्रा हैं ये सारी, और इनका भी नाम मैं बता देता हूँ, ये ज्योति, इसका नाम तो है फरीन खान, दूसरी नंबर वाली है मनीषा नाम, और तीसरे नंबर वाली है ज्योति बेरवा, और चौथी वाली ज्योति बलाई, पांचवी वाली है कोमल रेगर, और छठी वाली है मुस्कान खान, ठीक है, और ये हमारे बाबूजी हैं विद्यालय के वरिष्ठ बाबूजी, वो टोपा लगा के खड़े हैं, वो हरिराम जी सर है, उनके पास में मोडूलाल जी है जो सेवानिवृत्त होएंगे थोड़े दिनों बाद में, 28 फरवरी को उनका सेवानिवृत्ति है, और उनके साथ में जो खड़े हैं वाइट जैकेट में वो है राजश्री राजकुमार जी जैनसा, वो राजकुमार बेरवा जी, और हमारे जो साथी श्री राजेश कुमार, राजेश जी माली साहब है ईसरदा के, हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे साथी भी हैं, और इसके जस्ट पास में श्रीमान जो है क्या नाम है कैलाश जी जैन साहब, और हमारी जो मैडम जी हैं हमारे साथी है, ये भी लेक्चरर है ज्योग्राफी से, श्रीमती मीनाक्षी जी कुमावत, तो ये हमारे विद्यालय का पूरा परिचय था, और जैसा कि मैंने पहले का वीडियो भी बनाया था दोस्तों, हमारी जो पुरानी स्कूल थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आप वो वीडियो भी देखिए और ये वाला वीडियो भी देखिए, आपको कौन से स्कूल का स्टाफ और कौन से स्कूल ज़्यादा अच्छी लग रही है और कौन से स्कूल के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आज के वीडियो में इतना काफ़ी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, ठीक है।